नमस्कार हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए बता दें, महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारिया महादेव मंदिर पर MLC रमा निरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और हजारिया टाइम्स के आज कार्यक्रम में आप शरीक हुई। रमा जी बहुत बहुत इसके लिए पहले धन्यवाद। धन्यवाद भैया मैं आपको देती हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया है। आज मैं भी हजारिया महाराज के दर्शन किए, अभिषेक किया। आज हजारिया महाराज की अभी यहाँ से बारात निकलेगी और बारात में काफ़ी लोग सम्मिलित होंगे। आप जो प्रसादी वितरण हो रही है आपके इस कार्यक्रम को, आप लोगों की, आपकी सभी टीम को जो यहाँ सहभागिता कर रहे हैं, सभी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी धन्यवाद के काबिल हैं और सभी को बहुत बहुत इस महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह कार्य कराते रहें। गांव में काम कर रही है सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप आगे बढ़ें। आपका पत्रकारिता, सभी भाई पत्रकारिता से जो जुड़े हुए हैं सभी बहुत आगे बढ़ें और तरक्की करें। एक राजनीतिक प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिस तरह से हाल ही में बुंदेलखंड की सीटों का मतदान हुआ और ललितपुर महरौनी का हुआ, इसमें आप भी सहभाग रही, आप भी गई, कैसा महसूस करती हैं? चुनाव बहुत ही अच्छे शांति तरीके से हुए और मैं आशा करती हूं कि बुंदेलखंड में सभी सीटें भाजपा की निकलेंगी और भाजपा सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार बनेगी योगी जी की। तो आगामी आपका MLC का चुनाव भी है, इसको लेकर क्या है? हमारी भी तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी और मैंने जिला जालौन में सभी प्रधान BDCOs का सम्मान भी किया है, सभी से मिलना जुलना हुआ है। पहले था कि MLC के चुनाव होंगे तो हमारी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी थीं, लेकिन विधानसभा के चुनाव के कारण स्थगित हुई और अब फिर से हमारी, क्योंकि हमें फिर से उम्मीदवार बनाने की, अगर सरकार बनाती है तो हमारी तैयारियाँ शुरू हैं और मैं चुनाव लड़ूंगी और पूरी आशा के साथ जीतूंगी। आपने सपा छोड़ी, भाजपा में कैसा महसूस कर रहे हैं? भाजपा में मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं, सुकून की जिंदगी है, आराम से सम्मान है और मैंने पूरा भाजपा का चुनाव जो हुआ है, मैं हर क्षेत्र में, क्योंकि हमारे 9 विधानसभाएं रहती हैं, मैंने 9 विधानसभाओं में घूमकर जो प्रत्याशी थे उनका सहयोग किया है और प्रधान BDCOs की बैठ करके मीटिंग की है कि आप भाजपा को जिताओ जिससे हमारे योगी महाराज पुनः मुख्यमंत्री बने और क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। तो ललितपुर की जनता के लिए कुछ आज शिवरात्रि पर कोई संदेश? बस यही है, आज तो शंकर जी भोले बाबा की बारात है, शादी है, तो सभी खूब धूमधाम से, उत्साह से, जैसा हम लोग शादियों में मनोरंजन और उत्साह से जो शादी करते हैं, आज हमें पूरी जनता को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी उसी तरह, भोले बाबा की शादी है जी, कोई आम पब्लिक नहीं, जो पूरे शंकर जी जो विश्व के और हम लोगों के जो पूरे महाराज हैं या जो क्या कहना चाहिए कि कर्ता धरता है, पालनहर्ता है जो हमको, हम लोगों के, इनके पूरे उत्साह से, मनोवियोग से, जितना अच्छे से अच्छे तरीके से हम लोग शादी करें और बारात में, खासकर बारात में पूरी सहभागिता के साथ हम लोग भाग लें और शंकर जी की शादी करें। आज कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले मैं आप सभी को शिव पार्वती की विवाह पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम बहुत ही आनंदपूर्ण रहा है और मैं बस यही चाहूँगी सभी शिव भक्तों से, सभी शरणार्थियों से कि आप स्वयं को चिंता मुक्त और भय मुक्त रखें, यही शिव जी से मेरी प्रार्थना है और यही मैं उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, ये समाज निर्भय रहे। महाशिवरात्रि की सबके लिए हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद पहुँचे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नहीं लगता है कि बुंदेलखंड में कोई पराया है, हमारे तरफ से हर एक भाई और बंधु एक बराबर लगते हैं, अपना लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। आपको कैसा महसूस हुआ सर? बहुत अच्छा महसूस हुआ, अद्भुत, जिसे मैं अद्भुत कहूँगा,
और हजारिया टाइम्स महादेव का जो हजारिया परिवार ने दर्शन कराया और इतना बढ़िया ढंग से अभिषेक कराया, इसके लिए मैं हजारिया परिवार को तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और शिवरात्रि और आने वाली होली पर्व पर सभी लोगों को मैं तहे दिल से बधाई और हार्दिक शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आज हजारिया टाइम्स की स्थापना दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं हजारिया परिवार को। आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं, मांगलिक शुभकामनाएं हजारिया टाइम्स परिवार के लिए, धन्यवाद। यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, दो हजार के बाद हजारिया महादेव की कृपा से और एक छोटा सा प्रतिष्ठान हमने लाइब्रेरी खोली हजारिया महादेव के नाम से। सबसे पहले तो MLC नमाज रंजन जी जो हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पधार रही हैं और आज उन्होंने यहाँ आकर हमारे जो कार्यक्रम है उस छोटे से कार्यक्रम को एक बड़ा सुख दिया है, उनको हृदय से आवाज पेट्रोल वहीं आर एन यादव जी हमारे एक्सीएम साहब वे छोटे से हिंदोरी आए और छोटे से आए हृदय से आवाज करते हैं और कार्यक्रम में चाहता हूँ और जो बता दें कि इस कार्यक्रम में जो पार्षद जी भी हैं और महामंत्री हैं ग्राम आई के बाकी समस्त हमारे जो श्याम सुंदर कक्षा की पूरी टीम ने दिन रात मनोज गुप्ता जी ने इस कार्यक्रम को पूरा डर से देखा, बता दीजिए कैसे लगे हैं और इनका पूरा है।